नमस्कार दोस्तों, भूपी टेक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो आधार कार्ड के ऊपर है। आधार कार्ड आप डाउनलोड करते हैं और परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपका सिग्नेचर वैलिडेशन नहीं हो पाता है। तो किस कारण से नहीं हो पाता है, अपने कंप्यूटर में प्रॉब्लम है या फिर आप साइड में प्रॉब्लम है, बहुत कुछ सोचते हैं, उसका खोज नहीं पाते हैं। कैसे करें, आपका सिग्नेचर वैलिड अगर नहीं होता है तो वो आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेड कहीं भी बैंक में जाएँ या फिर कहीं भी जाएँ, आपका वो काम नहीं हो पाता है। तो चलते हैं, उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं और वो आपका काम पूरा का पूरा सही होगा। तो वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का टेक वीडियो हम बनाते रहते हैं और आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो लेट नहीं करके आपको बताते हैं कि कैसे वो सेटिंग आप करेंगे, मतलब आपको क्या करना होगा जो आपका जो आप PDF डाउनलोड करते हैं और उसका सिग्नेचर वैलिडेट नहीं हो पाता है, तो वैलिडेट कैसे करेंगे। तो आप हम अपने डेस्कटॉप में लेके आ चुके हैं फ्रेंड आपको, और गूगल में हम टाइप करते हैं सिग्नेचर वैलिड के लिए एक डॉक्यूमेंट्स, एक सॉफ्टवेयर का आपको ज़रूरत होता है जो एडोब रीडर जो DC सॉफ्टवेयर है। क्योंकि आपका जो आप PDF जो यूज़ कर रहे हैं, जिसे आप डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब आपका आधार कार्ड, वो आपका सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वो लिंक में क्लिक करके आप देखिए, यहाँ पर मैं जो PDF का साइट खोला, इसमें ये जो PDF का साइट दिया जा रहा है, नीचे दो बॉक्स है उसे अनचेक करेंगे और जो मेन जो साइड है उसे हम मतलब डाउनलोड करेंगे। तो ऊपर में डाउनलोड एडोब एक्रोबैट रीडर है, उसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताया हूँ गूगल में टाइप करके, अब उस हिसाब से ऐसा करके आप डाउनलोड करेंगे तो ये क्या होगा, डाउनलोड आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर अपना डाउनलोड होने के बाद उसे आप रन कर लीजिएगा, मतलब उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर में। पुराना वाला आपका जो PDF है उसे आप पहले डिलीट कर लीजिएगा, उसके बाद नया वाला को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद हम देखिए, अभी मेरा इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो आप भी ऐसा करके ही, टाइम लगता है, मैं इसे फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी मेरा ये इंस्टॉल फिनिश हो गया है। फिनिश देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंस्टॉलेशन एरर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नीचे देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड भी दिखाया जा रहा है, तो फिनिश कर देंगे यहाँ से। और फिनिश करने के बाद हम फिर PDF को एक बार खोल के चेक कर लेंगे कि हमारा वो खुलता है या नहीं। पहले वाला PDF देखिए हमारा इंस्टॉल था, लेकिन हम दूसरा वाला भी इंस्टॉल किए हैं, ये आपका अपडेटेड वर्जन है। तब आपका ये खुलने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपना आधार कार्ड का जो PDF है वो डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप उससे इसी PDF फाइल से ही खोलेंगे, तो क्या होगा कि आपका PDF फाइल जो है आपका क्रॉस या फिर क्वेश्चन मार्क जो आता है वो आपका नहीं आएगा, आपका एकदम आराम से वो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन या फिर क्रॉस नहीं आकर आपका साइन मार्क आएगा, मैंने सिग्नेचर वेरीफाई होकर आपका दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे करके आप PDF को आप सही कर सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।